चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉडल वन से एक और क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन नंबर थ्री। यहां पर हमें इनपुट दिया गया है जो है बाय व्हेन टास्क 52, 38, 43, door 12। और क्वेश्चन है व्हाट विल बी स्टेप फोर फॉर द अबव इनपुट, यानी ऊपर दिए गए इनपुट के लिए स्टेप फोर क्या होगा। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर थ्री को क्वेश्चन वन एंड टू से कंपेयर करें तो यहां पर डिफरेंस है, राइट। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर वन एंड टू से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन एंड टू में हमें नंबर ऑफ स्टेप्स चेक करने थे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स या हाउ मेनी मोर स्टेप्स या लास्ट बट वन स्टेप। लेकिन यहां पर हमें यह चेक करना है कि स्टेप फोर इस इनपुट के लिए क्या होगा, यानी एक पर्टिकुलर स्टेप नंबर दिया गया है, हमें यह चेक करना है कि स्टेप फोर कैसा दिखेगा, स्टेप फोर में इन वर्ड्स और नंबर्स का ऑर्डर क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें एक अलग अप्रोच फॉलो करना है, राइट। जैसे वन एंड टू में हमने कैंसिलेशन एंड एरोज यूज किया था, लेकिन यहां पर सिर्फ कैंसिलेशन और एरो के थ्रू हम इसे आंसर नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहां पर हमें चेक करना है कि एग्जैक्टली स्टेप फोर कैसा दिखेगा। तो क्या करेंगे, सी अप्रोच बेसिकली सेम होगा, हम कैंसिल करेंगे एंड वर्ड्स एंड नंबर्स को मूव करेंगे, लेकिन यहां पर एडिशनली हमें यह करना होगा कि जो नंबर्स एंड वर्ड्स हम मूव कर रहे हैं उन्हें हम पोजिशन नंबर भी दे देंगे कि फर्स्ट पोजिशन पर ये आएगा, सेकंड पोजिशन पर ये आएगा एंड सो ऑन, ताकि हम इजिली डिसाइड कर पाए कि स्टेप फोर में करेक्ट ऑर्डर क्या है वर्ड्स एंड नंबर्स का। सॉल्व करके देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो इनपुट है बाय विन टास्क 52, 38, 43, door 12। आपको डिजायर आउटपुट पता है, राइट। सबसे पहले नंबर, फिर वर्ड, नंबर्स होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, वर्ड्स होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा यहां पर, नंबर, कौन सा नंबर, 52। सो 52 को स्ट्राइक ऑफ करेंगे एंड लाएंगे फर्स्ट पोजिशन पर। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू तक का प्रोसेस। यहां पर हमें एडिशनली ये करना है कि 52 को मूव करने के बाद हम यहां पर 52 मेंशन करेंगे कि इस एरो की जगह पर 52 आया है, और साथ साथ ये भी मेंशन करेंगे कि ये होगा फर्स्ट पोजिशन, राइट। ये होगी इस आउटपुट प्रोसेस की जो रीअरेंजमेंट प्रोसेस है, उसमें जो फर्स्ट पोजिशन वो होगा 52, राइट। तो क्या हुआ यहां पर, हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप में हमने 52 को मूव करना है। जनरली हम सिर्फ एरो ड्रॉ करते थे, लेकिन यहां पर हमने 52 मेंशन किया है और उसकी पोजीशन नंबर भी लिख ली है, राइट। 52 आएगा फर्स्ट पोजीशन पर। 52 के बाद क्या आना चाहिए, वर्ड, कौन सा वर्ड होगा, बी डब्ल्यू टी डी। इसमें से जो फर्स्ट वर्ड आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार वो है बाई। अब अगर आप देखें बाई ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पर, राइट, 52 के इमीडिएटली बाद बाई होना चाहिए, जो कि करेक्ट है, यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसे हम कैंसिल नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम कुछ यहां पर मूव नहीं कर रहे हैं, बाई ऑलरेडी सही पोजीशन पर है। लेकिन इतना जरूर करेंगे कि इसकी हम पोजीशन नंबर मार्क कर लेंगे, बाई हो जाएगी सेकंड पोजीशन। ऑलराइट, अब देखते हैं बाई के बाद क्या आएगा। तो अभी तक कितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, बाय द वे कितने स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं, सी आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमने दो स्टेप्स कंप्लीट नहीं किए, हमने सिर्फ एक ही स्टेप कंप्लीट किया है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंसिलेशंस। यहां पर दो पोजीशंस अरेंज हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए, सिर्फ नंबर ऑफ कैंसिलेशंस पर ध्यान दें। हमने अभी तक एक ही कैंसिलेशन किया, यानी एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ है, हमें तीनों और स्टेप करने हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब बाय के बाद आना चाहिए वो नंबर, कौन सा नंबर आएगा, 43। सो 43 को स्ट्राइक करेंगे और इसे यहां पर एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जैसे हमने पहले किया था, यहां पर हम 43 को लिखेंगे प्रॉपरली एंड ये हो जाएगी थर्ड पोजिशन। ऑलराइट, क्योंकि हमें यहां पर सीक्वेंस देखना बहुत जरूरी है वर्ड्स एंड नंबर्स का, कि कौन सा वर्ड एंड कौन सा नंबर किस पोजीशन पर आएगा, जो कि क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू में रिक्वायर्ड नहीं था। तो ये हो गया थर्ड पोजीशन का अरेंजमेंट, राइट। अभी तक हमने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए, टू स्टेप्स। अब 43 के बाद क्या आएगा, वर्ड, कौन सा वर्ड होगा, डब्ल्यू टी और डी। वर्ड होगा डोर, क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो डोर को स्ट्राइक ऑफ करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप सिर्फ एरो ड्रॉ करें तो कौन सा एरो फर्स्ट है, कौन सा सेकंड, ये देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम यहां पर डोर मेंशन करेंगे 43 के बाद, और ये हो जाएगी फोर्थ पोजिशन, राइट। 43 के बाद आ रहा है डोर, हमने जिसे मूव किया, और ये होगी फोर्थ पोजिशन। कितने स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, थ्री स्टेप्स। सी यहां पर हमने फोर एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसका मतलब ये नहीं कि फोर स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स, मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंसिलेशंस। तो अभी तक तीन ही कैंसिलेशंस हुए हैं, और क्योंकि हमें फोर्थ स्टेप चेक करना है, हमें टोटल फोर कैंसिलेशंस करने होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा, डोर के बाद क्या आना चाहिए, नंबर, कौन सा नंबर होगा, 38 या 12, 38, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 38 स्ट्राइक ऑफ करेंगे और यहां पर एरो। अब एरो आप पहले ड्रॉ कर रहे हैं या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कैसे भी यहां पर नंबर लिखने वाले हैं, राइट। 38 आएगा डोर के बाद, जिसकी पोजिशन होगी 5, और 38 के बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं, विन, राइट। 38 देखिए यहां पर आया है, अब क्योंकि स्पेस नहीं है हम नीचे लिख रहे हैं, लेकिन 38 के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, विन। विन के बाद क्या है, टास्क। टास्क के बाद क्या है, 12।
लेकिन अब हमें प्रोसेस कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 4 कैंसिलेशन हो चुके हैं, यानी हमने ऑलरेडी 4 स्टेप्स परफॉर्म कर लिए यहां पर. राइट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट विल बी स्टेप 4? स्टेप 4 यही होगा जो हम यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि 4 कैंसिलेशन हो चुके हैं. तो आंसर क्या होगा, सिर्फ इसी ऑर्डर में हमें इन्हें लिखना है स्टेप 4 के लिए. तो स्टेप 4 हो जाएगा एज फॉलोस. सबसे पहले आएगा 52 फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर है बाई, थर्ड पोजीशन पर होगा 43, फोर्थ पोजीशन पर होगा डोर, फिफ्थ पोजीशन 38, एंड 38 के बाद क्या है, विन, फिर टास्क, एंड टास्क के बाद क्या आएगा, 12. तो ये हो गया स्टेप 4, 52 बाई, 43 डोर, 38 विन, टास्क 12. तो ऐसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन टाइप को, जहां पर हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को आइडेंटिफाई करना है. तो ऑप्शंस में हमें 5 ऑप्शंस में 5 अलग अलग स्टेप्स दिए जाएंगे, और हमें ये चेक करने की कौन सा स्टेप स्टेप 4 है. तो इसे मैच करके हमें आंसर को मार्क करना है. तो ये एक और क्वेश्चन टाइप है मॉडल 1 का. राइट, स्लाइटली डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 से. यहां पर एडिशनली जैसे आपने देखा, हम वर्ड्स को एंड नंबर्स को एक्चुअली लिखेंगे और उनकी पोजीशन भी मार्क करके. हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आपको 1 2 3 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप प्रॉपरली सीक्वेंस में लिख रहे हो या फिर आप अरेंज कर सकते हो इजिली, तो आपको ये नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है. राइट, लेकिन बेटर होगा आप प्रॉपरली फॉलो करें. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे अवॉइड कर सकते हैं. राइट, ताकि थोड़ा टाइम आपका सेव हो जाए. एनीवे, क्वेश्चन 3, टाइप 3 फ्रॉम मॉडल 1.